हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोरोग वंशी। तो कैसे हो, लगता है सब ठीक ठाक होंगे? तो काफ़ी दिन बाद, नहीं 2-3 दिन, मीन्स 3 दिन 4 दिन बिजी था। मेरे को 9 तारीख का मेरा पेपर था ना, उसके बाद 2-4-5 दिन में बिजी था। उसके बाद अब आने वाला है फिर से ब्लॉग, तो बिजी भी नहीं था वैसे, मीन्स मेरे को शॉप में था, उस वजह से शॉप में क्या ब्लॉग शूट करना था, मतलब वो रूटीन नहीं बन पा रही थी। मीन्स एक शॉप को सुबह जाना और पूरे दिन में शॉप और शाम को ही, उस टाइम ब्लॉग नहीं बना सकता, कुछ खास नहीं था। तो अब खास भी अभी नहीं है कुछ, बट फिर भी ब्लॉग कंटिन्यू प्रोसेसिंग में चलता रहेगा। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो सुबह की शुरुआत में कहते हैं, हम सुबह हो चुकी है, तो फाइनली मीन्स मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका है, खाना बना लिया है, ऊपर का बाल घर साफ कर लिया है, और इस घर की सफाई मैंने नहीं की बिकॉज क्योंकि हम लाने वाले थे मैट, तो पहले लाने वाले थे हम PVC मैट, बट उसमें भाई ने मना किया, बोला उसके नीचे कोई सा पत्थर कुछ भी ऐसा वैसे जला जाता है और कट लग जाता है, तो धीरे धीरे वो सारा फट जाता है। इसलिए फिर हम मैट ला रहे हैं, बट वो दूसरे वाले मैट ला रहे हैं, बताऊंगा बाद में जब हम उसको लाने आएंगे, यहाँ से जाएंगे लाने, तो बाद में लाएंगे। फिर हम आज करते हैं, लाएंगे मैट घर के और फिर देखते हैं आज क्या क्या करेंगे। और घर की जो ये नीचे ना दरी दरों के नीचे हम बिछाएंगे और थोड़ा अच्छे से सफाई करेंगे मेंटेन से, और डेकोरेट टाइप करेंगे रूम को। तो फाइनली करते हैं शुरुआत ब्लॉग की सुबह, तो शुरू। सो एवरीवन, तो मैंने उठाया अभी कंधे में सिलेंडर, तो बिकॉज सुबह खाना बनाते बनाते ना ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद मेरे को आग जलानी पड़ी, उसके बाद फिर खाना बनाया था, और खाना भी आज का कुछ बेकार बना था, घर वालों से भी गानी सुनी, उसमें मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया था और दाल जला दी थी पहले ही जब वो मीन्स पकने के लिए डाली थी। तो फिलहाल के लिए अभी जा रहे हैं हम इसको ले जाने, और साथ में जा रहे हैं वो मैं, तो बताते हैं अब चलते हैं। अपनी खड़ी है धनो परे, अरे धनो जी हाँ, ये पानी गई जो अपनी यहाँ खड़ी, देखो मिट्टी कितनी जम गई इसके ऊपर, बट बिकॉज हम इस मिट्टी का भी राघुवंशी बाय एंड ओपन एंड यहाँ डालेंगे हम सिलेंडर, तो आगे बैठेंगे। दूजो बढ़ती है सोटी को ठीक है। तो फाइनली गाइज हमने अभी लाए मैट, जस्ट हमने नीचे से 3 कलर के मैट लाए, PVC मैट हमने कैंसिल किया, फिर इस टाइप के मैट लाए, मम्मा ने डिसाइड किया और फिर कलर कलर मैंने डिसाइड किया कि कहाँ को कौन सा कलर लगना। आई थिंक मीन्स एक गेस्ट थिंकिंग किया था कि इस टाइप का यहाँ लगेगा। तो 3 प्रकार के रेड ब्लू एंड ग्रीन हमने मैट लाए हैं, जो हम 3 कमरों में बिछाएंगे, शाम को बताएंगे आपको। और साथ में अभी नीचे से ला रहा हूँ सिलेंडर, उसको भी ले आते हैं। और भाई देखो यहाँ धूप कितनी है, तो भाई मोटी है और मीन्स इस धूप में ना पूरी बॉडी जैसे बाफ निकल रहा है, वैसी गर्मी हो रही है। और बट इस गर्मी में भी हम काम कर रहे हैं, वो नीचे से लाए और अभी मेरे को सिलेंडर लाने को है, और इसी के साथ मेरे को अभी फिर शाम के टाइम अगर टाइम लगे तो मैं ले जाऊंगा, नहीं तो फिर घर में इन्हीं चीज़ों को सेटिंग करेंगे। और कुर्सी भी लाने के लिए है, कुर्सी भी लानी है, और मेरे को दुकान भी जाने के लिए वहाँ थोड़ा 3 दिन का हिसाब करने के लिए। तो ये मेरा आज का शेड्यूल था, देखते फिर इसके अनुरूप जाते हैं हम कि नहीं जाते हैं। तब तक के लिए अभी नीचे चलाते हैं जल्दी जल्दी से सिलेंडर, और फिर करते थोड़ा रेस्ट, और उसके बाद दुकान, और दुकान के बाद फिर देखने मिले, फिर मिलते हैं। Only guys!
सो भाई मेरा फोन छुट गया था, अभी नीचे पत्थर था, यहाँ को यहाँ पत्थर में गिरना था इस वाले। तो फाइनली गाइस अभी हम घर से हो चुके फ्री, मतलब रेस्ट किया थोड़ा, तो मैं मैट लगाने वाला था बट मैट मैंने नहीं लगाई। मेरे को आई फ्रेंड फ्रेंड की कॉल, तो की कॉल के आने बाद मैंने कहा यहाँ मेले मिलूँ, फिर कल परसों मेले खत्म हो जाएगा, बट दूसरे के मेले को मिलते हैं तो मैट तो शाम तक लग जाएंगे। तो फाइनली अभी हम निकले घर से मेले की ओर, चलो मेले में चलते थे मान। उठाने के लिए थे क्योंकि पापा ने और गद्दे लाए, और वो गद्दा जो पिछले गला मैंने वो एक्सचेंज करने के लिए पापा ने दो जोड़ी गद्दे की लाई, और ये मैं एक्सचेंज करनी, और जो मेरे कमर की मैट थी ब्लू कलर की वो भी कुछ छोटी पट गई, वो भी एक्सचेंज करनी है, फिर अभी थोड़ी देर बाद लाएंगे। तो मिलते हैं ब्लॉग के साथ, चलते हैं आगे, तो देखते हैं आज क्या क्या हो गया। दो रूम मेरे अच्छे ढंग से मतलब हो गए हैं, तो दिखाता हूँ उनको, तो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली गाइस ये रहा हमारा रूम, और बताओ कि मींस कैसी एग्रीमेंट लगी। और ये हमें एक्सचेंज करने के लिए, तो अभी हमने थोड़ी वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही ना, मोटी है इसलिए आई नो मेरी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही, बट हमने नए घर की सफाई कंप्लीट नहीं की अभी तक, बिकॉज अभी वो हमें बहुत चीज़ें रिप्लेस करने के लिए और उनका लैब वापस लाने के लिए और उनका सेटअप करने के लिए, इस वजह से फिर से सफाई करनी होगी। तो दो कमरे की सफाई हो चुकी है जो आपको मैंने बताया सिनेमैटिक्स, अब बचा है फाइनली मेरा बरामदा, मेरा बरामदा नहीं बरामदा और मेरा रूम, और ये चेयर लाई देखो मैंने टेन, इनको भी हम बाद में डेकोरेट करेंगे इस हिसाब से, मेहमान वगैरह आते हैं बाहर उनके लिए। जल्दी जल्दी से अभी बनाते हैं हम खाना, मम्मी पापा है अभी खेत में लगे हैं पालक की बिजाई करें, तो हमें क्या काम है, हमें काम है खाना बनाने का, तो जल्दी जल्दी से खाना बनाएंगे और हम फिर अपने काम में लग जाएंगे। तो करते हैं शुरू। फाइनली गाइस तो अभी हम कर रहे थे यहाँ काम वगैरह, और फाइनली मैंने कन्वेंस कर लिया मम्मी पापा को कि स्टार्ट कर दे, मीन ये सॉफ्ट है बहुत ना, मतलब इसमें जब सोते हैं ना ये थोड़ा मतलब अंदर की तरह अंदर की जैसे इसमें इस टाइप का देखो अंदर को जाता है, मीन्स कम्फर्टेबल बहुत कम्फर्टेबल है। और मम्मी पापा ने कुछ हॉल के लिए और पहले छड़ के लिए थोड़ा हार्ड जो है जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी मीन्स कर दे तो नहीं बताए, बट तेरा रूम अभी ना पूरा पूरा भरा हुआ है, गंदा हुआ है, और अभी मम्मा पापा तो चले गए हैं फिलहाल नीचे परे केवल दे नहलाने उनको, तो फिलहाल के लिए अभी मैं आपको अपने रूम की शक्ल बताता हूँ और फिर बताते हैं इसको डेकोरेट होके। तो फिलहाल उतना अच्छा तो नहीं है, बट इन फ्यूचर में जब मैं अभी थोड़ा कुछ टाइम मैं पेंट करने के लिए बोल रहा था अपने रूम में, बट फिलहाल के लिए वो अभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं, मना ही कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तब तक के लिए अभी मैंने यहाँ से मीन्स एक अच्छा डेकोरेट एक अच्छे से करने की, बट उसको काफ़ी टाइम लगेगा, बट अभी सिंपल सिटी में हम सिंपल में थोड़ा रूम को डेकोरेट करेंगे। बट अभी देखो मेरे रूम का कचरा देखो, सारा सामान मैंने यहाँ भरा हुआ है, अब देखेंगे लास्ट में अब सिनेमैटिक के साथ। फाइनली गाइस अभी हमने ला लिया है, पापा नीचे लाया था, अब नीचे से ला रहा हूँ मैं नेट को, अब बिछाने का काम है अपने इसका
मतलब अपने रूम में बिछाते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट तो उतना नहीं होगा, मतलब जैसे सही से करते हैं, साफ करते हैं, उनको चलते हैं। अभी हमने अपने रूम की सफाई टोटल कर ली है, मीन्स रूम की क्या पूरे घर की सफाई करे। और अभी करे थे हम जस्ट ये यहाँ मशीन लगा रहे थे, बट तेल ख़त्म हो गया उसकी और मशीन की ब्लेड टूट रही है बार बार, तो फिर मशीन लगा रखी। तो मशीन आई थिंक पापा ने ले गई होगी, हाँ तो उसकी ब्लेड ख़राब हो रही, वो पापा ने लगाने को ले गए। और अभी ये है, और अभी हमने पूफ बस एक काम करने लग गया है ना, बट फिर ब्लॉग रहने का वो नहीं रहा है। लास्ट में आपको रूम ही बताया और डायरेक्ट और सफाई करने का वो बिजी रहते हैं। और अभी निकालने वाला हूँ मैं जस्ट, अभी निकालने वाला हूँ जस्ट मैं गाय का गोबर, गोबर निकालने वाला हूँ गौशाला का। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से बाथरूम वगैरह साफ करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा उसको, और उसके बाद फिर लास्ट में सोना है, रेस्ट करना है थोड़ा। फिर रात तो होगी, टाइम तो 5-6 बज गए हैं, उसके बाद 6-7 बज जाएगी काम करते करते। और फिर करते ब्लॉग को एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिसने इंस्टा में फॉलो नहीं किया वो जाके इंस्टा में फॉलो कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।